जैसे गाड़ियों की सर्विस लगती है और भी जो मशीनरी चीज़ें हैं उसकी सर्विस लगती है, वैसे भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का भी सर्विस ज़रूरत है। तो हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट कैप रॉक, फिर से आ गया हूं एक नए वीडियो के साथ। आज हमारे पास जो इलेक्ट्रिक गिटार है इसका जो वॉल्यूम है टोन नॉब है, और ये टोन नॉब जो है दोनों, ये दोनों हम आप आज चेंज करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लूज हो गई है, ख़राब हो चुकी है, और जब हम टोन इसमें कंट्रोल करते हैं थोड़ा सा नॉइज़ की आवाज़ आती है। सो विदाउट डिले इस वीडियो को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपकी जो गिटार की जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग्स जो है, इसे सबसे पहले निकाल लेना है, ठीक है? तो अब हम लोग सारी स्ट्रिंग निकाल चुके हैं, और अब जो पिक गार्ड की जो सारी स्क्रूस है, ये सारे स्क्रूस, ये पूरा स्क्रू हम निकालेंगे, उसके बाद पिक गार्ड को फुल निकाल लेंगे, और ये वाला भी निकाल लेंगे। तो चलिए इसको निकालते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा ये सारा स्क्रू वगैरह मैंने खोल दिया है, और यहाँ का भी खोल दिया है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमारे जो इसमें जो फंसा हुआ है, ये जहाँ पे गिटार की आउटपुट जाती है, केबल यहाँ से निकलती है, पहले तो इसको हमको क्या करना है, इसे सोल्डरिंग आयरन से इसे ऐसे करके इसे निकाल लेना है। ओके, ये वाला हो गया हमारा मेन, और ये है ग्राउंड, ठीक है? तो ये हमने निकाल लिया। तो देखिए ये पूरा अलग हो चुकी है। तो हम अब गिटार इस बॉडी को साइड में रख देंगे, ठीक है, और इस पे काम करेंगे। फाइनली गाइस, हम लोगों ने ये पोटेंशियोमीटर जो है वो लगा लिया है, और थोड़ा बहुत वायरिंग भी थोड़ा बहुत अच्छे से कर लिया है। एंड ये जहाँ हमारा पुराना जो है वो पोटेंशियोमीटर, ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा आ रहा है, ठीक है? और ये हमारा जो है वो पुराना पोटेंशियोमीटर है, और हमने जो लगाया वो नया पोटेंशियोमीटर है, आप देख पा रहे हो, बिल्कुल नया है। तो फिलहाल अब हम लोग ये वाला जो है यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है? तो कनेक्ट करके फिर इसको हम स्ट्रिंग वगैरह इसमें लगा लेंगे, ओके? तो जल्दी से जल्दी ये काम भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। सो गाइस, आप लोग देख पा रहे हो, अभी स्ट्रिंग वगैरह सब कुछ मैंने एकदम
ठीक से लगा लिया, पूरा नीट एंड क्लीन लग रही है पहले से ज़्यादा। अब हम इसके साउंड टेस्ट करेंगे, तो जल्दी से जल्दी कैमरा स्विच करते हैं एंड स्टूडियो सेटअप पे चलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं अपनी स्टूडियो सेटअप पर और मैंने अपना गिटार कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लिया है, कैमरा भी, और ये माइक्रोफोन पे मेरी वॉइस आ रही है। गिटार पे जो रिकॉर्डिंग होगी वो डायरेक्ट गिटार एंड कंप्यूटर से। ओके, सो लेट्स गो, इसका साउंड चेक करते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे है, मतलब यानी कि ब्रिज पिकअप पे। ओके, तब मैं सेकंड पोजीशन पे आता हूँ, यानी कि ब्रिज पिकअप एंड मिडिल पिकअप एक साथ, लो अब मैं क्या करता हूँ, मिडिल पिकअप का जो टोन है वो थोड़ा कम कर लेता हूँ। अभी आप लोगों को लग रहा है कि डाउन थोड़ा सा दबा दबा हुआ सा है, जब भी मैं टोन को फुल कर दूंगा तो साउंड खुला खुला लगेगा। जो मेरे मैं जो हेडफोन पे सुन पा रहा हूँ, पहले से इसका डायनामिक रेंज बहुत बढ़ गई है ये टोन और वॉल्यूम ये सब चेंज करने के बाद। साथ साथ मेरे जो 5-way सिलेक्टर स्विच है उसको भी मैंने थोड़ा बहुत साफ कर लिया, चेंज नहीं किया लेकिन साफ कर लिया था, सर्विस वगैरह कर लिया पूरा। सो साउंड अभी इसका ऐसा है। ये सेकंड पोजीशन पे, यानी कि ब्रिज पिकअप एंड मिडिल पिकअप। अब मिडिल पिकअप पे डायरेक्ट आते हैं। अब आते हैं इसका टोन, मिडिल पिकअप का टोन देखते हैं, टोन काम कर रहा है कि नहीं। ओके, तो मिडिल पिकअप का मैं टोन ऑफ कर डाउन कर रहा हूँ, अभी डाउन कर दिया। अभी मिडिल पिकअप का टोन मैंने खोल दिया। अब आते हैं नेक पिकअप एंड मिडिल पिकअप दोनों एक साथ। टोन डाउन है इसका, अभी मैं टोन पूरा खोल देता हूं उसका। अब नेक पिकअप पे सीधा आते हैं।
अब नेक पिकअप का टोन जो है उसको डाउन करके देखते हैं। ये नेक पिकअप का टोन पूरा डाउन करके, अब नेक पिकअप का पूरा टोन मैं खोलता हूँ। आई होप आपको साउंड का डिफरेंस आ गई है। तो साउंड टेस्टिंग ये आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलते हैं नए किसी वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। दिस इज कैप्रॉक्स साइनिंग ऑफ।